आपका लक्ष्य क्या है, आपने अब तक क्या हासिल किया है, जीवन के प्रति आपका नजरिया क्या है, इन्हीं सब बातों से निर्धारित होगी कि सही अर्थों में जिंदगी के मायने आखिर क्या है। अपना लक्ष्य अपने सामने रखें। ये बात अध्ययन में सामने आई है कि जब आप किसी चीज को बार बार देखते हैं तो वह चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, मगर कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी पूरी काबिलियत नहीं दिखा पाते। ऐसा इसलिए नहीं कि आप काबिल नहीं है या उतने स्मार्ट नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अपनी आंखों के सामने गलत चीज रखी है। कुछ ऐसा चुनिए जो आपके सपनों से मेल खाता हो। नकारात्मक विचारों को कभी भी खुद पर हावी मत होने दीजिए। हो सकता है किसी दिन आप एक बहुत ही तंदुरुस्त व्यक्ति को देखें और खुद से कहें, मैं तो ऐसा कभी नहीं बन सकता, या फिर आप एक बड़ा सा शानदार मकान देखकर अपने से कहें कि मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं खरीद सकता। इन नकारात्मक विचारों का आपकी सफलता पर गहरा असर पड़ता है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपके नजरिए को सीमित कर देती है। इसलिए आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। एक बार एक आदमी था जो हमेशा से ही एक कलाकार बनने के सपने देखता था, मगर वो अंदर से टूटा और बेमकसद था। उसका परिवार इतना गरीब था कि वो लोग वैन में रह रहे थे। एक दिन वो अपनी पुरानी गाड़ी से एक पहाड़ की चोटी पे पहुंचा और नीचे झांक कर देखा। उसने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। वो गाड़ी से उतरा और खुद के लिए एक $10 मिलियन का चेक लिखा अपनी अभिनय सेवा के लिए। 12 साल बाद वो नौजवान जिम कैरी अपनी हर फिल्म के लिए 15 से 25 मिलियन कमा रहा था। नेक्स्ट, अपनी रेस खुद दौड़ो। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई लोग होंगे जो आपकी जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश करते होंगे। उनका इरादा नेक हो सकता है, मगर अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने वाला सिर्फ आप होने चाहिए। आपको अपनी रेस खुद ही दौड़नी पड़ेगी। अगर आप अपनी सफलता की कहानी नहीं लिखेंगे तो कोई दूसरा लिख लेगा, और फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। किसी ने एक बार कहा था कि जब आप 20 के होते हैं तो आपको ये फिक्र रहती है कि सब आपके बारे में क्या सोचते हैं, मगर 40 में आप ये परवाह करना छोड़ देते हैं और 60 में आपको पता चलता है कि कोई आपके बारे में तो सोच ही नहीं रहा था। तो खुद को लोगों की राय से मुक्त रखिए, तभी आप सही मायने में पूरी तरह से आजाद हो सकेंगे। हमेशा अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य रखिए। इस बात के लिए तैयार रहें कि हो सकता है कि इस लक्ष्य को पूरा करने की यात्रा में कुछ लोग आपका साथ न दे, आपसे दूर हो जाएं, तो भी परवाह मत कीजिए। सबको खुश रखना नामुमकिन है, चाहे आप जो मर्जी कर लीजिए। एक पुरानी कहानी है एक दादा और पोते की। एक बार एक दादा अपने पोते को अपने गधे पर बिठाकर कहीं ले जा रहा था। कुछ दूर जाने पर लोग उन्हें देखते हैं तो कहते हैं, देखो ये पोता कितना स्वार्थी है, खुद तो गधे के ऊपर बैठा है और अपने बूढ़े दादा को पैदल चलने पर मजबूर कर रहा है। लोगों की बातें सुनकर दादा परेशान हो जाता है। वह पोते को उतार कर खुद गधे की सवारी करने लगता है, मगर कुछ दूर आगे जाने पर फिर से कुछ लोग उन्हें देख कर कहते हैं, अरे दादा तो बड़ा मतलबी है जो खुद अकेले गधे की सवारी कर रहा है और बेचारे पोते को पैदल चला रहा है। लोगों की बातों से परेशान होकर दादा इस बार पोते को भी अपने साथ गधे पर बिठा लेता है, मगर इस बार भी लोग उन दोनों को भला बुरा बोलने लगते हैं कि दादा पोता कितने निर्दयी हैं, जो दोनों उस गधे पर बैठकर उस पर अपना सारा बोझ डाले हुए हैं। इस कहानी का ये सार है कि आप चाहे जो भी कर लें, फिर भी सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते। कुछ लोग फिर भी आपकी आलोचना करते रहेंगे, तो बजाय सबकी परवाह करने के अपना एक लक्ष्य खुद ही चुनिए और उस पर डटे रहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। नेक्स्ट, अपने जीवन में अच्छी चीजों की उम्मीद कीजिए। जब आप अपने लिए बेहतर चीजों की आशा करते हैं तो वह बेहतर चीजें खुद ब खुद आपको मिलती है, लेकिन जब आप बार बार निराशाजनक बातें सोचेंगे तो क्या होगा? जाहिर है वही निराशा आपके जीवन में आएगी, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आपके साथ होता है। हर सुबह ये सोच कर उठिए कि आज आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरने वाला है। इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो पाएंगे कि जो आपने सोचा था वही आपको मिल रहा है। अगर आप किसी परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो उम्मीद कीजिए कि आप उसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं। ऐसा सोचने से न सिर्फ आपका हौसला बढ़ेगा, बल्कि आप में एक नए उत्साह का संचार भी होगा। कुछ लोग हमेशा ही निराशा से घिरे रहते हैं, वे अपने बारे में कभी कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते। अपने दिमाग को आप एक टीवी सेट की तरह समझिए, जिसमें बहुत से चैनल हैं। कुछ चैनल आपकी मधुर यादों से जुड़ी है तो कुछ कड़वी यादों से। अब इस टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखिए। जो यादें आपको खुशी और उत्साह से भर देती है, केवल उन्हीं यादों का चैनल अपने दिमाग में चलने दें।
इन मीठी यादों को बार बार याद कीजिए, ठीक वैसे ही जैसे आप सिनेमा हॉल में मजे से बैठकर पॉपकॉर्न और सोडा के साथ अपनी मनपसंद फिल्म देखते हैं। वो वक्त याद कीजिए जब आपको लगता है कि आपके साथ सब कुछ गलत ही हो रहा है और फिर उसके कुछ दिनों बाद ही अचानक आपकी स्थिति में सुधार होने लगता है। आप ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि किस तरह से ऊपर वाले ने आपके लिए कठिन स्थिति में भी रास्ता ढूंढ ही निकाला। याद कीजिए ऐसे कई निराशा भरे पल जब आप खुद से यही कहते हैं, मैं कभी भी इस मुसीबत से नहीं निकल पाऊंगा। आप बस इसी दुख में रहते हैं और फिर आप उस मुश्किल हालात से ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि वो कोई बड़ी बात ही नहीं थी। नेक्स्ट, हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। कल्पना कीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं जिसका सारा नियंत्रण आपके हाथों में है। आप चाहे तो उसे आगे ले जाएं या फिर पीछे, मगर उसके लिए ताकत बराबर ही लगेगी, है ना। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी की गाड़ी भी चलती है। अभी आपके हाथ में है कि आप उसे अपने सकारात्मक विचारों से आगे बढ़ाएं या फिर नकारात्मक विचारों से भरकर कामयाबी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी हर असफलता का दोष परिस्थितियों पर डाल देते हैं, मगर ये सारे बहाने हैं सफलता हासिल ना कर पाने के। आप खुश रहेंगे या दुखी ये निर्भर करता है परिस्थितियों से निपटने की आपकी सोच पर। परिस्थितियां कभी भी मुख्य कारण नहीं होती, कारण बनते हैं हमारे अपने विचार। जो बातें आपके नियंत्रण से बाहर है उन्हें कभी भी अपनी खुशियां या ना खुशी का वजह मत बनने दीजिए, और ना ही इस बात को कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जो चीजें आपके वश में नहीं है उन्हें स्वीकार करना सीख लीजिए। कुछ बातें परिस्थितियां कभी नहीं बदलती, तो बेहतर है उसके बारे में परेशान होना छोड़ दीजिए। जीतना आपके खून में शामिल है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको जीतने के लिए ही बनाया है, ना कि एक मामूली जिंदगी जीने के लिए। भविष्य में क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी इस बात पर पूरा यकीन करते हैं कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। अब अगर इसके बावजूद भी किसी कारण आप मनचाहा प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो भी निराश मत होइए, और ये कहना शुरू मत कीजिए कि मुझे तो पहले ही पता था कि कामयाबी मेरे नसीब में ही नहीं है। बजाय इसके आप ये कहिए, शायद भगवान की कुछ और ही इच्छा होगी, शायद उसने मेरे लिए कुछ बेहतर सोचा होगा। नेक्स्ट, अपना बेहतरीन देने की कोशिश करें। एक एवरेज इंसान बनकर रहने के बजाय सबसे बेहतर बनने का प्रयास करें। एक आम इंसान बनकर रहना भूल जाएं। आप आम जिंदगी जीने के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं। हमेशा कोशिश करें कि आप अपना बेहतरीन दें। ये जरूरी नहीं कि हर बार अपने मकसद में आप सफल रहें, फिर भी आपको तसल्ली होगी कि आपने बेहतरीन देने की कोशिश की। जो आपसे उम्मीद है उसे बढ़कर कीजिए। इसके लिए आप अपने लक्ष्य को अपने सामने रख सकते हैं और फिर एक पॉजिटिव रवैये के साथ अपनी जीत का विश्वास कीजिए। उन बातों को अमल में लाएं जो आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। कोशिश कीजिए अपने रोजाना समय से 10 मिनट पहले उठने की। काम पर 5 मिनट पहले पहुंचिए। सफलता और काम में तरक्की हासिल करने का यही एक रास्ता है। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक है कि अगर हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, नई चीजें नहीं सीखेंगे, खुद में सुधार नहीं लाएंगे तो सफलता की इस दौर में बहुत पीछे रह जाएंगे। हर रोज सोने से पहले अपने पूरे दिन भर को याद कीजिए। खुद से सवाल करें, क्या मैं साधारण हूँ या कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट, पैशनेट रहें। खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं जीवित हूँ। इस बात का मतलब सिर्फ जिंदा रहने और खाना खाने से नहीं है। इस बात को गहराई से सोच कर देखिए। आपके क्या लक्ष्य हैं? आपने अब तक क्या हासिल किया है? जीवन के प्रति आपका क्या नजरिया है? क्योंकि इन्हीं सब बातों से निर्धारित होगी कि सही अर्थों में जिंदगी के मायने आखिर क्या है। अध्ययन से पता चलता है कि जोशीले लोग हमेशा बेहतर कार्य करते हैं। औरों की तुलना में उनकी तरक्की भी जल्दी होती है और ज्यादातर वो खुशहाल जीवन जीते हैं। आपको अपने जीवन में एक जोश की जरूरत है जो आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बहुत अधिक नहीं है तो भी ऊपर वालों का धन्यवाद करते हुए हर पल को जोश के साथ जिए। आप जिंदा हैं, बिना तकलीफ आपकी सांसें चल रही है। आप चल सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं और तंदुरुस्त हैं। तो क्या ये सब काफी नहीं है ऊपर वालों का शुक्रिया अदा करने के लिए? आइए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एक 40 वर्षीय महिला की ओपन हार्ट सर्जरी हुई। सर्जरी हो जाने के बाद उस महिला का दिल नहीं धड़का, यहाँ तक कि खास दवाइयों का भी असर नहीं हुआ। सर्जन ने हर संभव कोशिश की मगर वो दिल को दोबारा धड़काने में असफल रहा।
वो इसे मरीज का भाग्य समझकर हार मानने ही वाला था कि उसने एक अंतिम बार कोशिश की। वो उस महिला के कानों में फुसफुसाया, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर चुका हूँ जो मेरे हाथ में था, अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल को धड़कने के लिए बोलो। सर्जन के ऐसा कहते ही अचानक जैसे एक चमत्कार हुआ, महिला के दिल ने धड़कना शुरू कर दिया। ये उस महिला के विश्वास की शक्ति थी जिसने उसे दोबारा जीवन दिया। दोस्तों ये थी यू कैन यू विल की समरी। मेरे भाई आपको ये समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।